Yes, everyone. So we are starting with pranayama. That is for immunity, which you can use to increase your immunity, increase your resistance power, increase your oxygen absorption capacity. It will also increase your vital capacity for all organs. अगर आपके सारे organs अंदर से resistance power strong होगा, तो आपके organs में immunity बढ़ती है. Overall आपके body में health aura बहुत strong रहता है. कोई भी तरह के छोटे या बड़े रोग आपसे दूर रहेंगे. आपको देखो बाहर जाना है या घर पे बैठना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी आ सकती है लाइफ में. उसका मतलब ये नहीं कि आप कहाँ भी यू नो एक्सपोज हो जाओगे अगर, तो आपको हो जाएगा. पर अगर आपने प्राणायाम किया है तो आप काफी सेफ रहोगे. हेतल स्टार्ट द फर्स्ट वन. सो लेट्स बिगिन विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर वन, व्हिच इज शिवलिंग मुद्रा इन बेली ब्रीदिंग. ओके, बेली ब्रीदिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक अ वार्म अप for the pranayam. It activates the body for reaping the benefits of pranayam. Now, how do we take shivling mudra? So first, clasp your hands, interlock your fingers, keep the left hand thumb straight and encircle it with index finger and thumb of right hand. Just show them how do you get the shivling mudra. Just get your hands next to the screen. Exactly. And right, left thumb is up. Now keep this hand gesture near your solar plex. And with this mudra, we are going to do a deep belly breathing. Okay. Remember, this mudra should be done only 3 to 5 minutes in a day. Okay. We are going starting with the deep belly breathing. Those who are practicing with us, please practice a deep belly breathing, wherein when you inhale, your stomach comes out. When you exhale, your navel goes right in. Yeah. When you breathe in, the belly comes out. When you breathe out, the belly goes in. You can do it at your own pace. Yeah, continue, Hetal. Sorry. Continue. Yeah. It helps in reducing your respiratory problems like cold, cough, sinuses. And you can repeat this breathing for 20 breaths, which makes a set. Like that, you can make 3 sets. 3 sets, yeah. ओके okay. अभी जैसे आप सब देख रहे हो आप लोग करते रहिए. अंकिता भाविश आप लोग करते रहिए. शिवलिंग मुद्रा आप सबको पता होगा इज वेरी नाइस टू इम्प्रूव योर रेजिस्टेंस पावर एंड इम्यूनिटी. इसके साथ में बेली ब्रीदिंग. बेली ब्रीदिंग करने से आपका सोलर प्लेक्सस नाभि चक्र एक्टिवेट होता है. जिसका नाभि एक्टिवेट है उसके उसके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है. इसको मैंने 5 मिनट क्यों बोला है, गर्मी का मौसम है और कभी कभी शिवलिंग मुद्रा थोड़ा सा गर्म भी पड़ता है. इसके लिए 5-6 मिनट इज इनफ. अगर आपको कभी कभी ज्यादा लगता है करना चाहिए तो शाम को एक बार फिर से 3-4 मिनट आप कर सकते हो. लेकिन आपको गर्मी बढ़नी नहीं चाहिए. अब गर्मी के सिम्टम्स लगे तो ये नहीं करना ज्यादा. शिवलिंग मुद्रा और बेली ब्रीदिंग दोनों मिला के इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन टू एक्टिवेट योर सोलर प्लेक्सस, इंक्रीज योर रेजिस्टेंस पावर एंड इंक्रीज ओवरऑल इम्यूनिटी एटलीस्ट इन योर ब्लड स्ट्रीम एंड योर प्राणिक बॉडी. योर प्राण शक्ति पूरी आपके शरीर से पूरा प्राण शक्ति खुल जाएगा. शिवलिंग मुद्रा इवन आपके मूलधार चक्र से एसोसिएटेड है तो आपका मूलधार भी एक्टिव बनता है, स्वादिष्ठान भी एक्टिव बनता है, लोअर ग्लैंड सारे एक्टिव बनते हैं, आपका सोलर प्लेक्सस बहुत एक्टिव बन जाता है. आपको सबको पता है कि आपकी शरीर की सारी एनर्जी सोलर प्लेक्सस में है. हमने कितनी बार क्लासेस में किया है, सोलर प्लेक्सस को एक्टिव करो, जो वीक आदमी होता है वो भी स्ट्रांग बन जाता है. तो कोई भी तरह का वीकनेस नहीं आने के लिए, आपके माइंड बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग हियर.